अच्छा है इतना कि लोग सोचते ये लोग यहाँ ना रहे तो ही अच्छा है। गांव का घर बनने में, गांव में रहने के लिए हमें बड़े बड़े लोगों ने बहुत तकलीफ दी है, वो हमारा घर भी नहीं बनने दे रहे थे। न्यू भाभी से मिलके हम उनके गांव से निकल तो गए, बट क्या न्यू भाभी हमारी पूरी फैमिली को पसंद आई? लगता तो है कि सबको पसंद आई। देखो गाइस, तो आज गांव में ना बाजार भी है, कितनी भीड़ है यहाँ पे बाजार में। तो हमको जाना है मार्ट, मार्ट से कुछ चीजें लेनी है, पनीर लेना है, सब्जियां लेनी है, तो चलो हम लोग चलते हैं। ये देखो कितनी भीड़ है आज। अब हमारा गांव भी पिछड़ा नहीं रहा, यहाँ भी छोटे मोटे सुपर मार्केट खुल गए हैं। आगे हम लोग मार्ट, बड़ी माँ ना फर्स्ट टाइम मार्ट आई है, तो चलो बड़ी माँ को लेके चलते हैं अंदर। एंड सुपर मार्केट हो एंड मैं ना शॉपिंग करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आ जाओ बड़ी माँ, इधर आओ, क्या लेना है ले लो। बड़ी माँ आज लाइफ में फर्स्ट टाइम सुपर मार्केट आई है। क्या हो गया? बड़ा प्यार आ रहा है। चॉकलेट चाहिए। हाँ तभी मैं सोचूं। लेंगे, मेरे को भी चाहिए ना, लेंगे हम लोग। मैगी ले रही है मम्मी, हमको भी खिलाना प्लीज। मैं हर्षिता के लिए ले रही हूँ। हमारे लिए भी एक दो ले लो। आज हम दोनों ऐसे रह जाए क्या बिना मैगी के? चल हम चॉकलेट देखते, चल 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 चल। मिलो, ये है प्रीति, हमारे न्यू भाभी की रियल सिस्टर, इसको हम दहेज में साथ ले आए। कम ऑन गाइस, फॉलो मी, हम लोग चॉकलेट लेंगे। इधर से खुलता है, कौन सा वाला? ये वाला ले, ये किटकैट ले या फाइव स्टार? डेरी मिल्क ये ले, तीन डेरी मिल्क, तीन किटकैट। प्रीति दाल ले लो, दाल को लेना पड़ेगा बच्चे, वो वाली, ये मिक्स दाल है, ये इसको मत, ये वाली, ये मिक्स नहीं है, ये मिक्स। मम्मी दाल कितनी लेनी है? ये दाल 5 किलो कर दो नीचे से प्रेशर आ रहा है। आपने सॉरी चाचा, ये वही दाल है ना? कौन सा? वो वाला नहीं, ये दूसरा है, वो आपको दे रहे हैं ना। अच्छा देखो, मम्मी ने ना गुलाब जामुन के पैकेट लिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए, और चाची मिलके बनाएंगे। यस, क्या ले रहे हैं? पैराशूट ले रहे हैं। बड़ी माँ कैसा लगा मार्च में आके? अरे आपको जो लेना उठाओ, पूरा मार्च मैं अपने पसंद का वो मूंग की नमकीन ले ली। हाँ हाँ, और ले लो, और कुछ नमकीन चाहिए तो हम पूरा मार्च ले लेंगे। हाँ मेरे बच्चे सुन लेंगे, वो मालिक हम पूरा मार्च खरीद से। ये इसमें इसमें रख दीजिए, ये वाला ले लो ना, तो इसमें ज्यादा आएगा। और कुछ नहीं हो? हाँ लाओ, तो हम ले लेते। तो हम लोग मार्च से आ गए समोसा खाने के लिए, पापा ने मेरे को बोला समोसा खिलाता हूँ, हम दोनों भाग के आ गए। हाँ समोसा खाएंगे, चाय पियेंगे, खरीदी होते रहेंगे, खरीदी वो करते रहेंगे। हमारा काम है खाना पीना करना। यस, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, खाना पीना, खाना और चाय। समोसा गिरा दिया तूने? समोसे को चोट लग गए होंगे। चलो सब काम हो गया, हमने सब्जी सब ले लिया, अभी हम लोग चलते हैं घर। पापा देखो मेरी कैसे सिक्योरिटी करते हैं, खुद गाड़ी में बिठाते हैं। क्या हो गया बड़ी माँ? थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ी माँ ने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया है किसी चीज़ का, इसलिए तबीयत खराब हो गई है, बीपी हाई हो गया है। ऐसे ही चलता रहता बच्चा। तो इतना टेंशन क्यों लेते हो बड़ी माँ? टेंशन नहीं लेने का, हमको पता है घर बनने में बहुत मुश्किलें आई हैं, बहुत लोगों ने बहुत सारी परेशानियाँ दी हैं, अभी बन रहा है घर, आप टेंशन मत। बड़ी माँ एंड फैमिली, ये मेरे पापा के चाचा की फैमिली है, मीन्स दादाजी एंड काका के बड़े भाई की।
ऐसे बिल्कुल नहीं है कि अभी हम घर बना रहे हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। मेरी माँ सबको बताओ, ये घर बनाने के लिए लोगों ने कितनी तकलीफ दी हमको। तकलीफ तो हुई बच्चे इतना कि लोग सोचते ये लोग यहाँ ना रहे तो ही अच्छा है। हमको यहाँ से मतलब भगाने की तक कोशिश की गई, इतना परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि इंसान बोले बच्चे ये लोग यहाँ के नहीं हैं, ऐसे लोग बोलते थे। हम बोलते क्या हम इंडिया के नहीं हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, ऐसे लोग बोलते थे कि यहाँ के ये लोग नहीं है, इनको यहाँ से भगा दो, ऐसे सब लोग बोलते थे बच्चे। तो इतना सारा सब कुछ झेला है बड़ी माँ ने, हमारे गांव के पूरे फैमिली ने। रोज झगड़े होते थे, रोज ही झगड़े होते थे यहाँ पे, रोज गांव के लिए, घर के लिए, जमीन के लिए, मतलब खुद की जमीन के लिए हमको इतना झगड़ना पड़ता था, इसीलिए हमारा ही घर बनने में की जमीन अपना ही रुपया लगा करके लेने पर भी खेत में जुताई बुआई नहीं कर पाते थे बच्चे हम। तो ये बात आपको बताना ज़रूरी था, इसीलिए हमारा घर नहीं बन पाया। आप जो बोलते हो घर क्यों नहीं बना, हाँ, इसीलिए हम नहीं बना पाए यहाँ पे। तो अभी बन रहा है, अभी आप टेंशन मत लो। बड़ी माँ ने इन सारी चीज़ों का बहुत टेंशन लेती है, अभी उनका बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं अभी आप टेंशन मत लो, अभी घर बन रहा है, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। आने तो दो किसी को कुछ करने के लिए, कुछ नहीं कर पाएगा कोई, आप टेंशन मत लो बस। अभी हमारे बच्चों के ऊपर कितना लोग निगाह रखते हैं, वो तो है, नज़र रखते हैं सब लोग, नहीं रखने दो सबको नज़र। अभी बन रहा है ना घर, देखो धीरे 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 इतना बड़ा घर बन जाएगा। हाँ, आप बस देखते रहना। हाँ, जो मिस्त्री है ना बच्चे, हाँ, 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 ये अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, हाँ, कि जैसे ये अपना घर बना रहे हैं ऐसे, हाँ, यहाँ पर गांव में किसी ने नहीं बनाया इतना बड़ा, इतना मजबूत और इतना बड़ा। बड़ा तो बहुत लोग बना लिए, बड़ा तो बन जाता है, बन जाता है लंबाई में चौड़ाई में हर, लेकिन इतना मजबूत कोई नहीं बना रहा। हाँ वो तो है, मजबूत घर होना जरूरी है। तो ये तो ये पापा और दादाजी का काम है, वो मजबूत बनाते हैं घर को। और बोल रहे थे इसके ऊपर कितना भी बनाते जाओ ये हिलने वाला नहीं। हाँ ये तो है, ये आगे की सोच के बना रहे हैं ना ये घर। आज के टाइम पे कोई सगे भाई को नहीं पूछता, बट पापा बहुत अलग इंसान है, वो अपनी चाचा की फैमिली के लिए घर बनवा रहे हैं। ऐसे तो है मेरे पापा। खाना खा रहे हैं और खाना होने के बाद मैं ना हमें ये गुलाब जामुन बनाने हैं जो मम्मी कल मार्केट से लेकर आई थी, तो हम गुलाब जामुन बनाएंगे। हमारा खाना हो गया, मम्मी यहाँ पे बना रही है गुलाब जामुन, ये जो रेडीमेड वाले पैकेट होते हैं ना उससे बना रही है मम्मी। इम्पोर्टेंट हमारे हर्षिता है। हाँ सब लोग आ गए गुलाब जामुन बन रहे हैं ना देखने के लिए, लेकिन मेन तो हर्षिता है यहाँ पे। हर्षिता गुलाब जामुन खाओगी? हाँ ठीक है। देखो गाइस मुझसे कोई मिलने आया है। हाय कैसे हो? ठीक हो। कहाँ से आए हो? मैं अमोड़ा से आई हूँ। अमोड़ा से आए हो, बैठो बैठो। थैंक यू सो मच। देखो एक गैस में हम लोग है ना गुलाब जामुन तलेंगे और एक गैस में चाशनी बनाएंगे, और गुलाब जामुन के शेप मैं दूंगी गोल गोल, छोटा छोटा बनाओ, बहुत ज्यादा बनाओ। और छोटा इतना ठीक है। कौन से मेकअप वाले? वो बहुत पुरानी है। लेकिन एक सेकंड, भाभी को कैसे पता चला कि मेरे मेकअप वाले बैग में इलायची है? ठीक है देते हैं, वो बैग जो है ना वो लाना तो मैं निकाल के यार ये लाल हो रहे हैं। तू मत कर, हम कर लेंगे रहने दे। ठीक है करो तुम दो। लाल हो गया फालतू में यूज कर दिया, इसकी वजह से लाल हो गया, ये अलता लगाया ना हाथ में। सब लोग गुलाब जामुन बना रहे हैं और मेरे को है ना बहुत बोर हो रहा है क्योंकि मैं उनकी हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा आलता है ना सब गुलाब जामुन पे लग रहा है, इसीलिए मैं बाहर आ गई और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे हमारे ट्रैक्टर के पास, उस पे जाके बैठूंगी। और हाँ गाइस आज हमारे गाँव में भजन कीर्तन चल रहा है, उसका आवाज यहाँ तक आ रहा है। और ये देखो ये रहा भैंस का बछड़ा,
कैसा बैठा हुआ था, मैं आई तो उठ गया एकदम से। ये जो भैंस का बछड़ा है ना, ये थोड़ा सा गुस्से वाला है, तो मैं इसके पास नहीं जाती, क्योंकि अगर मैं पास चली जाऊँ ना तो ये इधर उधर भागने दौड़ने लग जाता है, इसीलिए इसको दूर से ही देखना सही रहता है। ओए बछड़े, ओए हाय, का करत बा? देखो ये यहाँ पे सब गाय भैंस का चारा रखा हुआ है, और उधर की साइड है हमारा घर। चलो अभी हम लोग बैठते हैं ट्रैक्टर पे, ये यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, ये यहाँ पे, वो आ गई मैं। अरे अरे अरे, हाँ वाओ, कितना मस्त लग रहा है इस पे बैठ के। इमेजिन गाइस, मैं ट्रैक्टर चला रही हूँ, बस इमेजिन करो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वाओ, आ गई मैं वापस। हाय काका। हाँ बाबू। का करत बा काका? बैठे है। बैठे है? खाना खा लिए? खाना कब्बे ने खाए। कब्बे खा लिए? ठीक बा काका। दूध पी लिए? शाम पे। चाय पी लिए? चाय पी लिए, सुबह खाना खाए। हाँ सब हो गया फिर। चलो मैं आप सबको हमारा खेती दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा खेत, ये यहाँ से लेके वहाँ तक है, और पीछे बहुत लंबा है। अभी इसमें है ना, ये लगा हुआ है, गन्ना लगा हुआ है, और गर्मियों में है ना इसमें सरसों लगाते हैं। क्या देख रहे हो मम्मी? बेटा पिक्चर देख रही। बेटा मूवी देख रही है मम्मी यहाँ पे। देखो देखो, किस किस ने ये मूवी देखी है कमेंट में बताओ। क्यों चिल्ला रहा है कौआ? ये देखो, ये सब है ना आम के पेड़ है, मस्त हम लोग इसकी छांव के नीचे लेटे हुए हैं। क्या बोल रहा है कौआ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ संदेशा लेके आया हूँ। खाओ खाओ। एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी कम था, इसलिए कौए ने बकेट में आके पानी पिया। कैसन मौसम? ठीक बा। पिछले बार आए थे तब भी तुम सब आए थे मुझसे मिलने। दीदी आप बहुत मोह लग रही थी तुम्हारे लिए। ओह क्या लग रहा था? मोह लग रहा था। मोह लग रहा था। मोह लग रहा था। काऊ कहाँ थे? काकाओ काकाओ काऊ कहाँ थे? काऊ कहाँ थे? मोह लग रहा था। अभी जल्दी तो आए हैं, और कितना लेट आए। कैसन बा तुम सब, खाना वाना खाई लिए? का बन रहा काका खाने खाने के इनके यहाँ? ए मुर्गी अंडी। ये सब टीचरी वाले हुए हैं बड़े काका नो। गंदगी वाले सब टीचरी वाले गंदे खाए ले मुर्गी अंडी। मुर्गी अंडी वाले काका नो। मुर्गी अंडी खाने वाले हैं ना। सब्जी रोटी बना था। पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? क्या खाते ये? अरे मारू खिचड़ी है, मुर्गी खाता, गुंडी खाता, ये मारू गिंडी छेड़ी बड़ी खाला। छेड़ी खाओ, राखी बांधती वो बकड़ी 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 खाते ये बकड़ी कटे तो जाल ले गांव भेल सारे लपिया जाई है। एक बकरी कने पर गांव के लपट के खाएगा। हड्डी लेके भागेगा, कोड़े घोड़वे लेके भागेगा, कोड़े मड़वे लेके भागेगा, हड्डी लेके भागेगा, हड्डी लेके भागेगा, कोई कुछ लेके भागेगा ऐसे। बाप रे, काका बहुत डेंजरस है हमारे। फिर भी सब लोग एकदम मिलजुल के रहते यहाँ। उनको पता है मजाक कर रहे हैं, कोई दिल पे नहीं लेता, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के। दीदी आप राखी बांधी थी? हाँ बांधे। यहाँ पर है ना लहसुन छीलना है, तो ये छील रहे, और ये प्याज भी छील रहे, काट रहे। आज क्या बनने वाला खाने में भाभी? दाल चावल पनीर पूरी। पनीर की सब्जी, पूरी दाल चावल बनने वाला है, तो इसीलिए ये लहसुन छील रहे। अभी मैं भी छीलूंगी इसको, और हर्षिता भी छील रही है। देखो हर्षिता क्या कर रही हो? हर्षिता प्यारी बच्ची, देखो मैंने इतना सारा लहसुन छील लिया, और यहाँ पे प्रीति ये प्याज काट रही है। आज दिन भर से लाइट नहीं है। हाँ आज दिन भर से लाइट नहीं है। देखो कैसे लाइफ रहती गांव के अंदर। दोपहर से लाइट नहीं है ना, बस एक घंटे के लिए आई थी दोपहर में लाइट। आज रात भर लाइट नहीं रहेंगे शायद। यहाँ ऐसा मत बोलो पप्पा। का होत बा काका? ये हरी मिर्च बा काका को लग रही, कीड़ा गिर गया इसमें। ये पूरी बा। हाँ खाओ काका खाओ।
काका वो हरी मिर्च बा सुन देखो काका काका ये हरी मिर्च है हरी मिर्च ये भी हरी मिर्च है ये भी हरी मिर्च है काका ने अपनी आंखों को माइक्रोस्कोप बना लिया और काका देख रहे हैं दाल को स्कैन कर रहे काका ये जीरा है जीरा नहीं ये जीरा नहीं क्या है ये प्याज है प्याज है वो प्याज है काका देखो गुलाब जामुन बनके रेडी है ये पकड़ मैं ट्राई करती हूं सबसे पहले मीठे बने क्या बहुत अच्छे बने देखो कीर्ति है ना मुझे मेहंदी निकाल के दे रही है वाह कीर्ति वाह अच्छी निकालना ये फूल देखो कितना मस्त निकाला कीर्ति ने मैं गांव की लाइफ कितनी बेस्ट होती है तो आपको हमारा आज का गांव का दिन कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बताओ एंड जल्दी से वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो देखो गाइज ये रही पूरी मेहंदी कैसी लग रही है बताओ ये रहा सामने से और ये रही पीछे से मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है।